तो चेकिंग चलता है यहाँ पे, कोई आर्म्स वगैरह या फिर दारू वगैरह कोई लेके तो नहीं आए इसके वजह से अभी भी। सो गुड इवनिंग गाइस, और रूम पहुंच चुका हूँ, 9 बज रहा है। तो दिस इज द रूम विच आई हैव गॉट। राधा की धानी पूरा एकदम, सुबह मैं आपको दिखाऊंगा, कृष्ण भगवान का पूरा बना हुआ होटल, बहुत अच्छा है। और ये मुझे मिला करीब 550 रुपये के आसपास में, तो डील अच्छी है। बाकी सब कुछ ओवरऑल बढ़िया। अब सो जाऊंगा और आज रेस्ट करूंगा, क्योंकि कल जो है मेजर राइड होने वाला है। तो कल मिलते हैं, गुड नाइट। से करीब करीब 20 किलोमीटर पहले हाईवे पे हो, और मुझे लगता है यहाँ से 11 घंटा लगभग लगेगा। 11 घंटा करीब करीब 700 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 11 घंटा मैं आराम से लमसम निकल जाऊँगा। और धूप तो काफ़ी है, अभी 9 बज रहे हैं। नाश्ता करने के लिए एक जगह रुक गया हूँ, नाश्ता करके बस निकल जाऊँगा। और आज जो है फाइनल राइड ओवर हो जाएगा हमारा। ट्रिप अच्छा रहा, कभी बारिश से स्टार्ट हुआ, फिर गर्मी, फिर ये होते फिर हुआ है। लेकिन अब जो है अब इसी में करना है। ये लाइफ चेंजिंग राइड था मेरा, यहाँ से राइड एंडिंग नहीं होगा, राइड और स्टार्ट होगा। तो गाइस, आई स्टार्टेड माय जर्नी। आप देख सकते हो पुष्कर 24 अजमेर 9, और हम बेवार होके जाएंगे। और 10 बज रहा है अभी राइड स्टार्ट किया है कुछ देर पहले, नाश्ता वास्ता कर लिया, और आज करीब 700 किलोमीटर की राइड है। चलो जो होगा, इतने बजे पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हवा इतना चल रहा है कि क्या बोलो आपको, बाइक को एक साइड खींचते हुए ले जाती है। व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, और इस बार उस पर्पस से आ ही नहीं रहा, पर फिर भी एक है कि क्या बोलो, बस ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, नेगेटिव लगता है, पर जो है बस वही बोल रहा हूँ आपके साथ। अपनी मम्मी से दूर जाना थोड़ा लगता है यार। देखो पहाड़ लग रहा है मुझे, माउंट आबू का रेंज है ऐसा मुझे लग रहा है। चलो खैर, कुछ अच्छा होगा तो आगे जरूर दिखाऊंगा आपको। कैसे हो दोस्तों, बहुत जोर से हवा चल रही है यार, और अभी स्निकर्स खा रहा हूँ। अभी बीवर पाड़ी रोड में हूँ। बीवर नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, मैंने भी पहली बार सुना है। राजस्थान का एक अलग सा एरिया, बहुत जोर जोर से हवा चल रही है। तो कहीं पे सबसे बड़ी बात यह है, गाछ वगैरह ट्रीज, तो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, कमी बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से एक शेड मिला तो यहाँ रुक गया। और बस अभी और यहाँ से 600 किलोमीटर है, देखते हैं कितने जल्दी हम पहुँचते हैं। रात के 10 बज जाएंगे उल्टा भैया। राजस्थान की गर्मी और गुजरात की गर्मी में आपका स्वागत है, कभी तो आओ हमारे गुजरात में। हाँ, बहुत देर बाद आया वापस, कुछ अच्छा लगा इसलिए दिखाया। सिरोही पहुँचने वाले, और दोस्तों व्यू देखो, उधर से पूरा लैंडस्लाइड होता होगा इसलिए इस तरफ वाले साइड पे डिवाइडर काट दिया। देखो फेंसिंग भी की जा रही है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता होगा सिरोही। और ये आ गया सिरोही का टनल, यहाँ से आबू रोड है दोस्तों। वाह, पहला टनल आया है, इसके नीचे टनल बना दिया गया। वाव, वाव, वाव। मस्त, ठंडा ठंडक लग रही है, ठंडक। वाओ, तो
तो माउंट आबू इधर से हो, मुझे लगता है आबू रोड इधर है, तो आबू रोड होके जाऊंगा, पर एक जगह से डाइवर्जन फिर कटना है, फिलहाल यही है। लाजवाब व्यू, और समय अभी हो रहा है 4:15। यहाँ से अहमदाबाद अभी भी और 250 किलोमीटर कुछ है, लेकिन अहमदाबाद भी हम नहीं जाएंगे, आबू रोड से कट कर जाएंगे। कट सो फाइनली अभी इंटर्ड गुजरात दोस्तों। 5:30 बज रहा है, पालनपुर बाईपास रोड पे हूँ मैं अभी, और राजस्थान से जैसे ही गुजरात इंटर किया, हेवी पुलिस चेकिंग थी। एज यू गाइज ऑल नो दैट गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट, एंड पुलिस से पूछ रहे थे भाई साहब और कुछ विस्की तो नहीं है, बोला सर पीता ही नहीं हूँ। तो उनमें से एक बोल रहा भाई ले लद्दाख करके आ गए क्या, बोला क्या बोलो, हाँ ही बोला उनको और क्या बोलूँगा, बोला हाँ, बोला बढ़िया बढ़िया। तो बहुत सारे राइडर्स जा रहे थे, अभी लेह लद्दाख का सीज़न है तो सब वापस राइड करके लेह लद्दाख से वापस अपने घर जा रहे हैं। रोड अभी काफ़ी अच्छा मिला इधर, अभी और 350 किलोमीटर है अभी जहाँ मेरे डेस्टिनेशन को, तो रात के 10:30-11 बजेंगे या 11:30 भी बज सकते हैं, पर ओवरऑल राइड अच्छा रहा। हाईवे इतनी बोरिंग हाईवे है, इसकी वजह से मैंने व्लॉग वगैरह उतना नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊँगा मैं, और सारे वीडियो को अपने राइट तक का जोगर से लेकर यहाँ तक कंपाइल करके एक वीडियो में बनाऊंगा। तो चलिए जैसे पालनपुर वगैरह पार करते हैं और इंटर करते हैं, उसका फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो। सो आई हैव लेफ्ट द अहमदाबाद हाईवे एंड गूगल ने मुझे गुजरात स्टेट हाईवे पर डाइवर्ट किया, तो ये आ रहा है थोड़ा मज़ा। अभी 27 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पर मेरा असली गुजरात मतलब जो होता है वो देखने को मिल रहा है। हाईवे तो हाईवे ही होता है हर जगह का, बोरिंग सा, पर ये थोड़ा सा राहत, और ये थोड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा मुझे लगता है, ये फिर हाईवे पे कनेक्ट भी करेगा। तो गुजरात के अंदर के गांव खेड़ा देखने का मौका मिलेगा। समय ऑलमोस्ट 6 बज रहा है अभी, तो यहाँ अंधेरा 8 बजे तक होता है। और अब सिर्फ डीजे की गाड़ियाँ दिख रही है, यानी कि गुजरात और ये गिर गायें, इनके सिंग बहुत बड़े बड़े होते हैं। चलो तब ये था एक दिखाने के लिए आपको, बस अब यहाँ थोड़ा कॉशियसली चलाता हूँ, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है सर। फिर NH पे जब चढ़ता हूँ तब फिर मिलता हूँ उससे। ठीक है दोस्तों, तो चेकिंग चलता है यहाँ पे, कोई आर्म्स वगैरह या फिर दारू वगैरह कोई लेके तो नहीं आए, इसके वजह से अभी भी यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर है, 12 बज जाएगा मेरे को लगता है। गुजरात इंटर करने में मुझे 4-5 बार चेकिंग हुआ, भाई साहब के पास चक्कू को मिला है, तो भाई साहब के पास चक्कू तक्कू मिला था, वही चेकिंग कर रहे हैं वो लोग। मुझे भी रोका गुजरात में, एटलीस्ट मैं इंटर किया हूँ तो मुझे 3-4 जगह रोका गया है। वो एक्चुअली कुछ हरासमेंट नहीं हुआ, वो बस चेकिंग करने के लिए नॉर्मल, क्योंकि ड्राई जोन होने की वजह से चेकिंग चलता है और हाईवे भी है। सो फाइनली राइड इज़ गोइंग टू कंप्लीट दोस्तों, और कुछ दिखाने का था नहीं, अंधेरा था चारों तरफ इसीलिए, और रोड्स काफ़ी सेफ है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। चलो तब अब वांकानेर पहुँचते हैं, 12 बज जाएगा, फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। तो ये है दोस्तों मोरबी शहर जहाँ पे मैं जॉब करूँगा। रात को देखो मोरबी शहर कुछ ऐसा लगता है,
ये जितने आप देख रहे हो यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज है सिरामिक्स इंडस्ट्रीज की, इसलिए जगमगाता हुआ ये डिस्ट्रिक्ट बना है अभी अभी, वरना वांकानेर पहले राजकोट, जी हाँ राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। सारे तरफ आपको होटल्स, अपार्टमेंट्स, और दोनों आजू बाजू मोरबी से ही शुरू हो जाता है फैक्ट्रीज वगैरह, सिरामिक फैक्ट्रीज, अजंता और एवा जो वॉचेस बनते हैं उनकी फैक्ट्रीज आगे थी। तो सिरामिक हब है वैसे भी गुजरात, और 90% इंडिया का जो भी टाइल्स वगैरह आता है वो मोरबी से आता है। मेरे लाइफ से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, सोचा आपके साथ शेयर करो, इसीलिए दिखा रहा हूँ, वरना दिखाने का कोई, ऐसे तो वांकानेर 24 किलोमीटर में वहीं रहूँगा और अभी वहीं जा ही रहा हूँ। वो देखो वहाँ सोमानी की है, तो सारे अच्छे अच्छे कंपनीज, कजारिया, अनेटको, वर्मोरा, जो भी कंपनीज के आप नाम जानते हो वो सब कंपनीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वाले शिफ्ट में भी काम करते हैं अभी यहाँ पे, रात अभी होती है, मतलब दिन अभी होता है, बहुत लोगों का नाइट शिफ्ट होता है, तो नाइट शिफ्ट, मेरा नाइट शिफ्ट नहीं है, मैं डे शिफ्ट में काम करूँगा, मेरा डिपार्टमेंट अलग है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट वाला। तो यही सब है दोस्तों, इसीलिए गुजरात आया हूँ। हर कोई पलायन एक्सोडस करता है जीवन को संवारने की तलाश में, क्योंकि एक जगह रुक जाना मतलब थक जाना होता है। और ये ब्लॉग भी आज ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, गुजरात राइड मेरा घर से यहाँ तक का। अफसोस इस बात का है कि मैं इस बार वापस घर अभी नहीं जाऊँगा, हर बार की राइड में वापस जाके घर आता था, एक अलग एक्साइटमेंट होता था, पर घर क्या, ऑलमोस्ट 2200-2300 किलोमीटर की राइड हो गई है कंप्लीट, मैंने भी 4 डेज, 4 दिनों का राइड था। आज 14 तारीख है, रात के 12:30 बजने वाले हैं और कल से मेरी ज्वाइनिंग है, सोचो डेडिकेशन देखो बंदे का। देखो कितना सेफ है यहाँ, लेडीज वगैरह आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ये लोग टहल रहे हैं अभी, सब खट्टी मारने यहाँ निकलते हैं। सोचो कितना सेफ है गुजरात इस मामले में, जबकि इतना छोटा सा शहर है। देखो 12:30 बज रहे हैं अभी, 12:15 हो रहा है, तो इस मामले में गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब थोड़ा सेफ है। ये देखो धुआं आ गया, उस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ था, बहुत सारे कम, एक दिन में करीब 20-25 इंटरव्यूज दिए थे मैंने, रिजेक्ट तो कहीं नहीं हुआ, पर सब होल्ड पे रख देते थे कि हमारा, उनके यहाँ वैकेंसी खाली नहीं होती थी। ये सन हार्ट सिरामिक में भी गया था, सब याद है, याद ताज़ा है, और ये आज से 10-15 दिन पहले की बात है, तो इसलिए सब चीज़ याद है ताज़ा। यहाँ बोलते हैं मुझे जॉब लेना है कि जॉब देना है। હા